देखिए, ये मैसेज देना चाहूँगा कि इतना बड़ा दिन है, बहुत सैक्रिफाइसेस के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो हमारे को हर उस फ्रीडम फाइटर को जिसने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान दिया है, सबको याद करना चाहिए कि 23-23 साल के नौजवान फांसी पे चढ़े, 18 साल के करतार सिंह सराभा फांसी पे चढ़े, तो आज़ादी इतनी मुश्किल से मिली और इस आज़ादी को हमारे को संभाल के रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आने वाले वक्त में महिलाओं का, औरतों का सम्मान करना चाहिए। देखिए, तिरंगे को देख के जो फीलिंग है वो एक हिंदुस्तानी ही समझ सकता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस देश में ऐसा हिंदुस्तानी होगा जब वो तिरंगा लहराता होगा या तिरंगा अपने घर पे लगाएगा तो उसको एक हिंदुस्तानी होने की फीलिंग नहीं आएगी। और ये तिरंगा सिर्फ एक तिरंगा नहीं है या सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा सम्मान है, ये हमारी एक आइडेंटिटी है। और उस आइडेंटिटी के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइस दिए हैं, युवाओं ने अपनी जान दी है इस तिरंगे के लिए, इस आज़ादी के लिए और इस सम्मान के लिए, तो जब भी अपने घर पे तिरंगा लगाएं, तिरंगा ज़रूर लगाएं, हर व्यक्ति तिरंगा लगाए, उसका सम्मान करे, लेकिन अगले दिन उस तिरंगे को उसी सम्मान के साथ संभाल के भी रखे, क्योंकि तिरंगा लगाना आसान है, उसका सम्मान करना, उसको बचा के रखना उतना ही मुश्किल है। तो मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को जो अपने घर पर तिरंगा लगाता है, 15 अगस्त के बाद भी उसका उसी तरीके से सम्मान करिए जिस तरीके से आप 15 अगस्त को करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त आज़ादी का दिन ज़रूर है, लेकिन हर दिन आज़ादी है अगर आप इस तिरंगे को का सम्मान करेंगे, इस तिरंगे को अपनी शान समझेंगे तो। और इसमें एक नेशनलिज्म की, एक देशभक्ति की, एक आज़ादी की जो हम एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, जो एक फीलिंग देना चाहते हैं, वो हर घर में हर व्यक्ति के पास आएगी, और ये ज़रूरी है, क्योंकि तिरंगा ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का तिरंगा है। ये कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर स्टार्ट किया है, लेकिन 140 करोड़ की लोगों की शान है ये तिरंगा, और 140 करोड़ लोगों को उसी तरीके से देखना चाहिए, इसको एक पॉलिटिकल इवेंट के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, जो सरकार पावर में होती है वो कैंपेन ज़रूर चलाएगी, हर घर तिरंगा का कैंपेन चलाएगी, लेकिन इसको हर व्यक्ति को एक देशभक्ति के नाते और एक देशभक्त होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते अपने घर पर लगाना चाहिए, इसको किसी भी आइडियोलॉजी के साथ या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जोड़ना। देखिए, आइडियोलॉजी किसी भी व्यक्ति की कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती है, आपकी कोई और आइडियोलॉजी हो सकती है, मेरी कोई आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन किसी को भी इस तरीके के नाम से बुलाना या किसी भी वोटर को इस नाम से ये शब्द यूज़ करना, इससे दर्शाता है कि आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हो। इससे ज़्यादा मैं कहने वाला हूँ नहीं, क्योंकि इसका जवाब देश की जनता देगी। आइडियोलॉजी में फ़र्क आ सकता है, लेकिन देशभक्ति में नहीं। तो मेरा मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता हो, कि इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो भी व्यक्ति आता है वो देश की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए आता है। कम से कम आप वोटर को इस तरीके से बेइज्जत ना करें, चाहे वो किसी भी पार्टी के, किसी भी आइडियोलॉजी के लिए। मेरा विश्वास है कि उनकी खुद की पार्टी कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक्शन लेगी, और लेना चाहिए भी।